हेलो एंड व्हाट्स अप। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं आइस स्क्रीम सिक्स। तो सबसे पहले मैं आप लोग को अब तक की स्टोरी क्लियर कर देता हूँ। आइसक्रीम अंकल, जो कि मोटे बच्चों को किडनैप करता है, उसने हमारे दोस्तों को भी एक हॉरर आइसक्रीम फैक्ट्री में किडनैप कर लिया, और उन्हें बचाने के लिए मैं भी उस फैक्ट्री में चला गया, लेकिन मैं खुद वहाँ फंस गया। जैसे तैसे करके हम रॉड के हाथ से ही तो बच गए, लेकिन उस चक्कर में हम फैक्ट्री के अलग अलग हिस्सों में बिछड़ गए। अब हमें सभी दोस्तों को एक साथ आना है और इस फैक्ट्री से एस्केप करना है। और अच्छी न्यूज़ यह है कि हमारा एक दोस्त माइक हमारे साथ मिल चुका है, तो बस हमें बाकी के दो दोस्त लिस और चार्ली को ढूंढना है। हाँ, इंट्रो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, तो अभी फटाफट गेम में चलते हैं। ओके, तो अभी हम लोग गेम में आ चुके हैं। जनवरी 1983, लोकेशन है कंट्रोल रूम, और हमारे पास यहाँ पे सारे सीसीटीवी कैमरास का एक्सेस है, जिनकी मदद से हम देख सकते हैं कि हमारे दोस्त कहाँ पर हैं। अगर आपने पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो इस वीडियो के बाद उसे भी देख लेना, एंड इन दोनों के बीच कुछ बातचीत चल रही है, पहले इसे सुनते हैं। इसे कुछ तो दिखा है, एंड ये हमारा दोस्त चार्ली है, जो कि किसी जगह पे छुपा हुआ है। एंड इसे बचाने के लिए कोई नहीं आ सकता, इसे खुद आना पड़ेगा। वहाँ पर एग्जिट भी है, लेकिन इतना आसान नहीं होने वाला। यहाँ पर कोई नहीं है, एंड अभी भी इसे खाने की पड़ी है भाई। अलग ही भुक्कड़ है इसका पेट। वेट, ये तो एग्जिट की है ना, यानी कोई मैटी ये चल के आ रही है, और इसने पाइप निकाली अपने मुंह से, शायद से आइसक्रीम की क्वालिटी टेस्ट कर रही है। ये रॉड का ही कोई रोबोट लग रहा है। फाइंड अ वे टू कम्युनिकेट विद जे एंड बी रियूनाइटेड विद योर फ्रेंड्स। तो मैं सामने से नहीं जा सकता, मुझे यहाँ पर वेंट है, इसके थ्रू बाहर निकलता है। एंड यहाँ पर दरवाज़ा है, इसे बंद भी कर लेते हैं, मिनी रॉड अंदर आ सकता है। यहाँ पर एक ड्रॉवर है जो कि हमेशा की तरह खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक ग्लास जा रहे है, यहाँ पर इस ड्रॉवर में कुछ प्लेट्स पड़ी हुई है। एंड वो आ रहा है क्या? मुझे लग रहा है आ गया भाई। मुझे अभी साइड में थोड़ी देर के लिए छुपना पड़ेगा, जब तक ये नहीं जाएगा, वरना रॉड यहाँ पर भगते हुए आ जाएगा। तो ओकी, तो अभी वो जा चुका है। एंड यहाँ पर छानबीन दोबारा चालू करते हैं। यहाँ पर एक ग्लास जार का, अबे तू कब आ गया भाई? अभी तो बाहर गया था ना, इसके अलग ही नशे चल रहे। वैसे एक सेकेंड, शायद से रॉड ने हर चीज़ के लिए रोबोट रखे हुए, मतलब सिक्योरिटी के लिए रोबोट है, खाना बनाने के लिए रोबोट है, मतलब सब चीज़ के लिए रोबोट है। खुद तो इतना कामचोर है। वैसे अभी मुझे यहाँ पर भी थोड़ी बहुत ढूंढ आंडी करनी पड़ेगी, यहाँ से कोई तो क्लू मिलेगा। और एक ग्लास जार टूट चुका है, ऑब्वियसली ग्लास टूट ही जाएगा। एंड यहाँ पर अबे छुपना नहीं है मेरे को, मुझे और भी कई जगहों पर देखना पड़ेगा। वैसे ये जगह थोड़ी सी अलग लग रही है, पुराने टाइप की लग रही है, मतलब ईंटें वगैरह लगी हुई है। अंदर क्या है? अंदर यहाँ पर एक मशीन है और कुछ बॉक्सेस पड़े हुए हैं। एक बार को अंदर चल के देखे क्या? बट शायद से वो मिनी रॉड उस दरवाजे से चला गया। अंदर चलते हैं। एंड यहाँ पर इसे बंद करो, इसे बंद ऐसे करते। एंड बाहर माटी भी घूम रहा है, तो मुझे उससे भी बच के रहना होगा। यहाँ पर कोई मशीन है, प्लीज आइसक्रीम प्लेस आइसक्रीम स्कूप। यहाँ पर मुझे आइसक्रीम को सही ऑर्डर में लगाना है, मतलब ऊपर की तरफ चार आइसक्रीम के कलर्स है, एंड उन्हें मुझे ऑर्डर में लगाना है, और वो ऑर्डर राइट साइड में लिख के आ रही है। और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मुझे इसे, अबे ये कौन आ गया? रॉड का चमचा भाई, ये मिनी रॉड परेशान करके रखा हुआ है। स्टार्टिंग में शुरू हो गया, वैसे मुझे इसे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। एंड रीस्टार्ट हो गया शायद से, लेकिन अगर मैंने इसे अभी किया तो शायद, अबे इसकी कमी थी क्या? अभी आना था तेरे को, अभी तो गेम चालू हुआ है फिर भी आ रहा है तू, ये अलग ही है भाई। मुझे अभी थोड़ी देर के लिए छुपना पड़ेगा, और ये बहुत तेज स्पीड में आ रहा है। कंट्रोल रूम खोलो भाई, ये इसका मुझे भरोसा नहीं लग रहा है, ये मुझे पक्का मार डालेगा। वैसे हाँ, कहाँ गया वो? वो देखो भगता हुआ जा रहा है, कैसे लगता है यूसेन बोल्ट से कंपटीशन करने का इरादा है इसका।
वैसे हाँ, अभी के लिए मैं सेफ हूँ एंड इस कंट्रोल रूम से हम हमारे बाकी के दोस्तों को कॉल कर सकते हैं। अभी मैं बाहर निकलता हूँ और उस दोबारा मशीन की तरफ चलते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत मिनी रॉड का भी ध्यान रखना होगा। यहाँ पर इसे खोलते हैं एंड अभी वो कहीं पर भी नहीं दिख रहा, तो अभी फटाफट से जाते हैं एंड इस मशीन को दोबारा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है ब्लू येलो ग्रीन, ओके ये रहा ब्लू येलो एंड ग्रीन, एंड अगर मैं गलत करूँगा तो ये वही के वही रुक जाएगा एंड आइसक्रीम भी गिर जाएगी, तो मुझे इसका भी ध्यान रखना होगा। मैं गया भाई, नहीं क्या हो रहा है यार, स्टार्टिंग में इतने झटके क्यों लग रहे हैं? ये लगता है गलत कर दिया मैंने नॉर्मल मोड पे खेल के, मुझे इजी पर ही ट्राई करना चाहिए था शायद से। मेरे पास सिर्फ दो अटेम्प्ट है एंड इसने मुझे किसी घटिया से फ्रिज में लाके बंद कर दिया है। अभी मुझे यहाँ से बाहर निकलना है और यहाँ पर डब्बे पड़े हुए हैं, पता नहीं कुछ प्रोटीन वगैरह के डब्बे होंगे, आइसक्रीम अंकल खाता होगा। यहाँ पर एक डोर है, मतलब डोर तो नहीं, मतलब छोटी सी विंडो है जहाँ पर मुझे जाना है, और यहाँ पर एक बॉक्स है, इसको निकाल के मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। लेकिन जाने से पहले मुझे यहाँ पर थोड़ा बाहर झांक के देखना होगा, ये कुछ अलग जगह लग रही है शायद से, जो कि अभी तक मैंने डिस्कवर नहीं करी है। फिलहाल यहाँ से ऊपर चलते हैं एंड अभी मुझे यहाँ से बाहर निकलना है एंड सामने की तरफ जाना है उस मशीन। आ जा तू भाई, तू पहले आ जा, तेरी कमी थी, इसने अलार्म बजा दिया है और वो आइसक्रीम अंकल अभी भगता हुआ आएगा। वैसे हाँ, अगर वो पीछे की तरफ से आ गया तो मेरी तो बैंड बजनी है, मुझे लगता तो नहीं है कि वो पीछे की तरफ से आएगा, शायद से आगे की तरफ से आवाज़ आ रही है मुझे उसकी। कहा है भाई जल्दी आ जा, आ गया आ गया, आजा तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं बिल्कुल सेफ हूँ यहाँ पे। वैसे हाँ, अगर मैं थोड़ा सा आगे चला जाता तो शायद वो मुझे पकड़ लेता, लेकिन अभी वो वहाँ से जा चुका है। मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ इस मिनी रॉड के भी जाने का और इसके बाद चलेंगे। ओके तो अभी वो जा चुका है एंड धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दरवाज़ा खोलो एंड मैंने रास्ता बंद नहीं करा पीछे का शायद से, लेकिन कोई नहीं। यहाँ पे अबे डर लग रहा है यार, आवाज़ मत निकाल मिनी रॉड, इसे रिस्टार्ट करते हैं एंड अभी आ गया। देखो इसको चैन नहीं है, तेरे को क्या दिक्कत है रे मिनी रॉड, मेरे को गेम कंप्लीट करने दे। वैसे हाँ, जब तक वो वहाँ पर है मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत और ढूंढा अंडी कर लेता हूँ। ये रॉड का शेफ रोबोट है जो कि उसके लिए शायद से आइसक्रीम बनाता है और ये आइसक्रीम को जाके बेचता है। ओके तो अभी हम लोग दोबारा से यहाँ पर आ चुके हैं क्योंकि मेरे अंदर चुल मच रही थी इस गेम को कंप्लीट करने की, मतलब इस मिनी गेम को कंप्लीट करने की, इसलिए मैं दोबारा आ गया। वैसे हाँ, मुझे आजू बाजू भी ध्यान रखना पड़ेगा, वो मिनी रॉड का बच्चा कभी भी आ सकता है। फिलहाल इस गेम पर फोकस करते, अब गेम नहीं यार मिनी गेम, हाँ मिनी गेम पर फोकस करते। यहाँ पर है येलो, उसके बाद है ब्लू, उसके बाद ग्रीन था वैसे वो गिर गया, इस बार हो गया। यहाँ पर रेड ब्लू एंड येलो, अगला है ग्रीन रेड एंड ब्लू, अगला ब्लू, उसके बाद येलो, उसके बाद रेड, उसके बाद है येलो रेड एंड ग्रीन, अरे हाँ सॉरी येलो था वो, रेड ग्रीन गिर गया, रेड ग्रीन ब्लू, उसके बाद येलो 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 ब्लू रेड ब्लू, गिर गया गिर गया, ब्लू 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 आ गया, मेरे को लगा होगा ही नहीं। वैसे मुझे इसे दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि टाइम ख़त्म हो चुका एंड यहाँ पर इस बार में फुल कंसंट्रेशन के साथ करेगा। यहाँ पर ग्रीन, उसके बाद है ब्लू, ए सॉरी येलो, उसके बाद है ब्लू, मैं कलर में भी कंफ्यूज हो रहा हूँ यार, रेड ग्रीन ब्लू, उसके बाद है येलो रेड एंड ब्लू, उसके बाद रेड येलो ग्रीन। वैसे अभी मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जो
तीन कलर्स एक बार में आते हैं ना, उसके अगले बार में उसमें से ही दो कलर्स आते हैं। मान लो यहाँ पर है येलो ग्रीन, रुको यहाँ पर है ग्रीन रेड और येलो, ये देखो इसमें से दो कलर आ गए ग्रीन ब्लू और रेड। तो इस हिसाब से इस मिनी गेम को बनाया गया, वैसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, आगे जाके काम आ सकता है हमें नए गेम्स बनाने के लिए। वैसे हाँ अभी इस पर फोकस करते हैं, एंड पता नहीं क्यों मेरा कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर जा रहा है, मैं शायद से नहीं कर पाऊँगा। अगर ये आखिरी वाला हुआ तो मुझे वो मास्क मिल जाएगा और हो गया भाई, लेट्स गो, यू डिड इट, द मशीन हैज बीन अनलॉक एंड इज रनिंग अगेन। एंड इस पर ये मास्क है, अबे तू कहाँ जा रहा है, अनिचा खुद ही आ गया, मुझे इसे शायद पहनना है। एंड एज लॉन्ग एज यू वियर दिस मास्क मैटी एंड द मिनी रॉड्स विल थिंक यू आर वन ऑफ देम, लेट्स गो। अभी मैटी और मिनी रॉड्स हमें नहीं पहचान पाएंगे, उनको लगेगा कि मैं उनमें से ही एक हूँ, उनका ही ग्रुप का मेंबर हूँ। वैसे यहाँ पर एक ड्रॉवर है, इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ अंडे पड़े हुए हैं और ये मुझे नहीं पहचान पा रहा है। ये देखो यहाँ पर एक ग्लास जार है, पता है ग्लास जार क्या, ओ नहीं नहीं नहीं, उसने अलार्म बजा दिया भाई, वही मास्क गिर गया मेरा। मुझे अभी ध्यान रखना होगा कि जब भी मैं किसी चीज़ को उठाऊँगा तो ये मास्क गिर जाएगा। वैसे मुझे थोड़ी देर के लिए छुपना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही वो अलार्म बजाते हैं वैसे ही रॉड भगता हुआ आता है। एंड हाँ बाहर वो माटी भी खड़ा हुआ है, अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं एंड यहाँ पर दरवाज़ा खोलते हैं। मैंने अभी भी पूरा मतलब ये जगह एक्सप्लोर नहीं करा है। यहाँ पर एक शक्कर पड़ा हुआ है शायद, हाँ बिग हीप ऑफ शुगर। यहाँ पर कुछ बर्तन में पका रहे हैं ये लोग, यहाँ पर एक खाली बर्तन पड़ा हुआ है और सामने पैंट्री नाम की जगह है, इसे खोलते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक ड्रॉवर है जो हमेशा की तरह खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक ग्लास जा रहा है और यहाँ पर भी एक सिक्योरिटी गार्ड है हर बार की तरह। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट सामान है, क्या ग्लास जार का शायद से आगे जाके काम आएगा। यहाँ पर दरवाजे को खोलते हैं और अंदर क्या है, लॉकर में कुछ नहीं है। यहाँ पर एक ड्रॉवर है और ये भी खाली होगा, कुछ रखता ही नहीं है, बेकार में बना है। एंड यहाँ पर एक खाली मतलब बंद कंप्यूटर है और यहाँ पर ये क्या है, मेडेलियन लेफ्ट हाफ, शायद से किसी सर्कल का एक पार्ट है। एंड तू पहले चले जा भाई, उसके बाद मैं बोलूँगा। हाँ तुम्हें कह रहा था कि शायद से कुछ सर्कल का पार्ट लग रहा है जो कि हमें कंप्लीट करना है। एंड ये वही वाली जगह है जहाँ पर उसने हमें बंद करके रखा था। अभी मैं कुछ भी नहीं उठाने वाला हूँ, इट इज़ ब्लॉक्ड बिकॉज इट हैज़ नो करंट। मुझे यहाँ पर शायद से करंट लगाना होगा, मतलब करंट ऑन करना होगा कहीं से। तो एंड मैं अभी किसी भी चीज़ को नहीं उठाने वाला, क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ को उठाऊंगा तो वो गिर जाएगा। तो मैं बस यहाँ पर एनालाइज करने वाला हूँ पहले। तो यहाँ पर ड्रॉवर्स में कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर एक ग्लास जार पड़े हुए है, यहाँ पर कुछ है क्या, यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा है मुझे, बस एक खाली ड्रॉवर्स पड़े हुए हैं। एंड इसे भी चेक कर लेते हैं बस ऐसे ही, इसे खोलते हैं। एंड यहाँ पर मैंने अभी तक चेक नहीं करा, यहाँ पर मिस्ट्री लॉकर हमेशा बंद ही रहता है। यहाँ पर एक दरवाज़ा है, इट इज़ क्लोज विद अ फेशियल रिकग्निशन। क्या ये मास्क यहाँ पर, ओ लेट्स गो, ये मास्क यहीं पर काम आने वाला था। और यहाँ पर क्या है, वार्डरोब में कुछ नहीं है। एंड यहाँ पर शायद से कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं पुराने वाले, शायद से लॉन्ड्री का कोई तो ये लॉन्ड्री बिन, इसमें से मुझे कुछ तो इम्पोर्टेंट मिलने वाला है। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, आगे जाके देखते हैं। एंड ये मिनी रॉड भी यहाँ पर आ चुका है हमारा पीछा, मतलब पीछा तो नहीं, सिक्योरिटी करते हुए। यहाँ पर भी कुछ है क्या, देखते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, एक बार अंदर की तरफ चल के देखते हैं। यहाँ पर भी बस कुछ रैक्स है, यहाँ पर एक लॉकर है जिसमें कि कोई पासवर्ड है जो कि मुझे नहीं पता, मुझे उसे ढूंढना होगा। एंड यहाँ पर भी एक लॉन्ड्री बिन है, शायद इसमें से मुझे कुछ इम्पोर्टेंट सामान मिलने वाला है। यहाँ पर कुछ नहीं है। एंड इस तरफ में यहाँ पर एक और लॉन्ड्री बिन है भाई, इतने डस्टबिन तो मेरे घर में नहीं है जितने इसके सिर्फ लॉन्ड्री में है, अलग ही अमीर बंदा है ये। वैसे हाँ ये इसके सिर्फ अकेले के ही कपड़े है शायद, जो पता नहीं कितने बार ही पहनता होगा। यहाँ पर मुझे स्वेटी सॉक्स मिला है,
मतलब गंदा मोजा जो कि मैं स्कूल से आने के बाद सीधा धोने डालता था और ये कूड़ेदान में डालता है। और यहाँ पर एक डोर है, इट इज क्लोज विथ स्पेशल लॉक एंड यहाँ पर किसी का तो फेस, ओ तो मुझे शायद से वो मंडेलियन लॉक यहीं पर लगाना है। यहाँ पर संडास है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये खाली पड़ा हुआ है। रॉड हगने के लिए आता हो गया यहाँ पर। यहाँ पर ये वार्डरोब है, ये भी खाली। यहाँ पर एक मॉनिटर है एंड यहाँ पर कुछ पेपर्स पड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है एंड ये हमारे छुपने के लिए जगह है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है सिवाय इस मिनी रॉड के। तू पहले चले जा भाई। यहाँ पर एक और वार्डरोब है, ये भी छुपने के लिए ही होगा। वैसे अंदर क्या दिख रहे हो, कोई नहीं है, मैं तो यहाँ पर घूम रहा हूँ आराम से। वैसे मैंने शायद से ये वाला एरिया भी चेक कर लिया है एंड मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ पे और भी कुछ होगा। एनी वेट अ सेकेंड, इसके पास क्या है? अबे ओए रुक ना मैटी, ओए रॉड से तेज मत भाग जाइयो। अबे रुक तो सही, इसके पास कुछ तो है। एंड ये क्या है, ये कुछ न्यूज़पेपर भी। अरे नहीं 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 नहीं, गलती कर दी मैं भूल गया एंड इसने मुझे देख लिया। बट मैंने सही टाइम पे मास्क पहन लिया। भाई मैं क्यों भूल जाता हूँ कि मैं किसी चीज़ को उठाने के बाद मास्क नहीं पहन सकता। वैसे हाँ शायद से मुझे यहाँ पर, हाँ पहले तू आ जा, पूरा डोर कवर कर ले रहा है ये रोबोट। वैसे हाँ मैंने यहाँ पर भी शायद से चेक कर लिया, लेकिन ये वाला एरिया मैंने चेक किया था क्या? हाँ शायद से चेक किया था मैंने, लेकिन वो मिनी रॉड आ गया था। यहाँ पर मेंडेलियन का दूसरा हाफ पड़ा हुआ है, लेट्स गो। मुझे दोनों हाफ मिल चुके हैं एंड मुझे इन दोनों को जाके उस दरवाजे पे लगाना होगा ताकि वो दरवाज़ा ओपन हो जाए एंड उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हमें मिले। यहाँ पर कुछ नहीं है और ये मिनी रॉड यहाँ से चले जाए तो मेरा काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पे और तो कुछ नहीं है एंड सामने की तरफ एक बॉल है जिस पर कोई नंबर लिखा हुआ है 7। पता नहीं इसका क्या यूज़ है। वैसे हाँ अभी मैं देख कर आता हूँ बाहर कोई है या नहीं। वैसे वहाँ पे मैटी अभी भी है एंड वहाँ पे मिनी रॉड जा चुका है, लेट्स गो। अभी मुझे इसे यहाँ से उठाना है एंड कोई है तो नहीं ना भाई, फिर से चेक कर लेते। आ रहा है भाई, आ रहा है, तू पहले आ जा एंड उसके बाद मैं जाके इस मंडेलियन पीस को लगाऊंगा। एंड मेरे को वेट करते करते बहुत टाइम हो रहा था, वो वहाँ से जा ही नहीं रहा था, तो मैं यहाँ पर आ गया। मैंने यहाँ से पीस उठा लिया है एंड मैटी यहाँ पे नहीं है, शायद से यही सही मौका है। यहाँ से फटाफट निकल लेते हैं एंड वो दरवाज़ा यहीं पर था, इसे यहाँ पर लगाते हैं। एक पीस लगा दिया, दूसरा पीस भी अभी लेकर आते हैं। ओके तो मैटी ने मुझे नहीं देखा और आइसक्रीम अंकल ने मुझे देख लिया, शायद से देखा तो नहीं ना भाई, शायद से उसने मुझे नहीं देखा, लेकिन अगर देखा होगा तो गड़बड़। शायद से उसने मुझे नहीं देखा एंड पता नहीं वो किसी रास्ते से चला गया, वो रास्ता शायद मैं ओपन नहीं कर सकता। वैसे हाँ मुझे अभी यहाँ से ये मंडेलियन पीस उठाना होगा, ये यहाँ से जा चुका है एंड मैटी भी शायद से वहीं पर खड़ा है, वो भी थोड़ी देर में चला जाएगा। मुझे इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कमॉन बॉय कमॉन, यू कैन डू इट। यहाँ पर इसे उठाते हैं एंड फटाफट से चलते हैं, वो लेट्स गो वहाँ से जा चुका है एंड इसे ले जाके उस वहाँ पर लगाते हैं। खैर मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ इतना खास मिलने वाला है। मुझे पता है हर बार कुछ ऐसा करता हूँ इतना खास कुछ मिलता ही नहीं, सिर्फ एक या दो आइटम मिलता है। वैसे हाँ डोना आंटी तो करनी पड़ेगी। यहाँ पर ड्रॉवर्स में कुछ नहीं पड़ा हुआ, यहाँ पर बस हमारे छुपने के लिए। यहाँ पर एक ड्रॉवर है, इसमें भी कुछ कागज़ पड़े हुए हैं जो मैं नहीं उठा सकता और वो शायद से आ रहा है, तो मुझे अभी थोड़ी देर के लिए छुपना होगा एंड उसके बाद इस कमरे की पूरी छानबीन दोबारा चालू करेंगे। ओके तो शायद अभी वो जा चुका है एंड मैं भी अभी यहाँ से बाहर निकलता हूँ। अबे तू क्यों आ गया है? और उसने मुझे देख लिया, शायद से गलत सीन हो गया है यार, तेरे को भी अभी आना था। वही मेरे को खोला तो मैं तो बंद करके आया था, अब उसके बाद में पता चला मुझे कि ये था वहाँ पे दरवाजे पे। वैसे हाँ अभी वो जा चुका है एंड इसे पहले बंद कर देते हैं एंड आगे की तलाश चालू करते हैं।
यहाँ पर कुछ है क्या? ड्रावर में यहाँ पर एक न्यूज़पेपर पीस पड़ा हुआ है एंड शायद से मुझे इसे यहाँ पर लगाना है। 1955, ये कहानी फ्लैशबैक में जा चुकी है एंड क्या मैंने भी वही देखा जो आपने देखा, इविल नन। तो अब ऑफिशियली इविल नन आइसक्रीम का पार्ट बन चुकी है एंड ये कोई तो इसकी सिस्टर है या मतलब दोस्त है इसकी, जो इसके साथ शायद से चर्च में रहती है एंड पता नहीं क्यों इसका गाल एकदम से लाल हो गया, पता नहीं, जाने देते हैं। यहाँ पर एक फोटोग्राफिक हिंट है और ये देखो मस्त फोटो लगा के रखी है इसने एंड अभी इस फोटोग्राफिक हिंट को लेकर हमारे दोस्त के पास चलते, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ी भसड़ मच चुकी है। आइसक्रीम चचा और मैटी शायद से लड़ रहे हैं, मुझे उस झमेले में नहीं पड़ना, तो मैं अभी चुपचाप से अभी मैं घूम के वहीं पर तो आ गया, शायद से वो जा चुका है आइसक्रीम चाचा एंड अभी हम लोग जाने वाले हैं सीधा हमारे दोस्त के पास, उसको जाके कॉल करेंगी एंड फिर आगे की कहानी आगे बढ़ेगी। वैसे हाँ, मैंने अपना मास्क यहाँ पे डाला था एंड मुझे इस फोटोग्राफिक हिंट को याद रखना है, याद रखना है, याद भूलना नहीं है। वैसे ये लंबा रास्ता है तो कट कर देते, ओके। तो अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं एंड अभी अपने दोस्त को कॉल करते हैं जे। हेलो जे, सुन ले भाई, मेरे को तेरे से हेल्प चाहिए। हाँ बोल भाई, करूँगा, तू टेंशन ना ले, मैं सब हेल्प करूँगा। वैसे हाँ, हम भी यहाँ पे आ चुके हैं एंड ये देखो हमारा दोस्त यहाँ पर कुछ तो सोच रहा है, पता नहीं क्या सोच रहा है, ठीक है हम यहाँ से बाल निकलते हैं, जल्दी जल्दी करो बाबा, हम यहाँ से बाहर आ चुके हैं एंड इसने ये वाला एरिया पैक करके रखा है एंड इस तरफ में एक वेंट है, इसे खोलते हैं एंड शायद से वो केज वाली जगह पर जाएगी। हाँ ये वहीं पर आ रही है, कल को अगर रॉड आता है तो हम लोग यहाँ से भाग सकते हैं। यहाँ पर भी एक डोर है, इसे खोलते हैं एंड यहाँ पर ये शायद से हमारे छुपने के लिए, इस तरफ में भी एक डोर है लेकिन वहाँ पर मिनी रॉड है तो हम वहाँ पर नहीं जा सकते। वैसे शायद मेरे पास एक अल्टरनेट रास्ता है और वो है यहाँ से, वो उस तरफ है, मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत छानबीन करता हूँ। वैसे यहाँ पर तो कुछ नहीं दिख रहा, वो वहाँ से चला गया, लेट्स गो। यहाँ पर कुछ है क्या? ये वार्डरोब खाली पड़ा हुआ है एंड यहाँ पर ये क्या है, वैन की, तो शायद हमें इसे रॉड की वैन में लगाना है और अलग अलग लोकेशंस पर ट्रैवल करना है, ऐसा ही कुछ होगा शायद से एंड इस तरफ में भी देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत अंधेरा है, शायद आइसक्रीम अंकल ने पूरा लाइट बिल नहीं भरा अब तक। यहाँ पे क्या है, एक मॉनिटर है एंड यहाँ पर एक कुछ टेप पड़ा हुआ है, टेप यानी कि हमें शायद से किसी चीज़ को ज्वाइन करना है या चिपकाना है, ऐसा ही कुछ होगा। फिलहाल मैं एक बार भी यहाँ पर नहीं गया, ये डंप यार्ड इसने बंद करके रखा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर अपना सारा वेस्ट मटेरियल फेंकता था, लास्ट एपिसोड में हम वहाँ पे गए थे लेकिन अभी वो बंद है एंड यहाँ पर आइसक्रीम चचा दिख नहीं रहा है मुझे। ओ वेट सेकेंड, वो शायद दूसरी साइड पे है, यहाँ पे ये डोर बंद है एंड जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाता है। यहाँ पर एक टूल बॉक्स पड़ा हुआ है लेकिन इसको चेक करने से पहले आजू बाजू देखो, वो कहीं से भी आ सकता है, उसका कोई पता नहीं है। हाँ अब इसे खोलते हैं एंड इसमें से क्या निकलता है देखते हैं। यहाँ पे मुझे एक फाइल मिला है लेकिन फाइल से इम्पोर्टेंट अपनी गन है, फाइल बाद में भी मिल सकता है लेकिन लाइफ बाद में नहीं मिल सकती, तो आइसक्रीम अंकल से बच के रहने के लिए हमें एक गन ज़रूरी है। मैं उस फाइल को बाद में उठाऊंगा। यहाँ पर एक वेंट है एंड वेट ए सेकेंड, ये वही वाली पिक्चर है जो कि हमें फैक्ट्री के दूसरे साइड पे मतलब चार्ली वाले साइड पर देखने को मिली थी एंड यहाँ पर कुछ तो गिरा है, फोटोग्राफिक हिंट एंड यहाँ पर कुछ तो ये सर्टिफिकेट जैसा लग रहा है एंड ये शायद से आइसक्रीम इस फैक्ट्री के निचले हिस्से में मतलब जहाँ पे इसने अपना म्यूजियम बना के रखा है ना, वहाँ पर है एंड पता नहीं बाहर इसने क्या ही करके रखा होगा। वैसे हाँ अभी फटाफट नीचे वाली जगह पर चलते हैं एंड वहाँ पे भी थोड़ी बहुत छानबीन करते हैं। वैसे ये फैक्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी है इसलिए इसे ढूंढने में मतलब इसमें से क्लू ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। यहाँ पर कुछ नहीं है एंड इन रैक्स में भी कुछ नहीं है,
इस तरफ में एक दरवाजा है एंड यहाँ पे कुछ है क्या, दिख तो नहीं रहा मुझे। वैसे मुझे मिनी रॉड भी अभी तक नहीं दिखा, शायद इसने सारे मिनी रॉड उस दूसरी वाली जगह पर लगा के रखे। यहाँ पर एक वेंट है, इसे खोलते एंड यहाँ पर मैं जा सकता हूँ, लेकिन एक बार सामने वाली जगह पर भी चल के देखते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, इम्पोर्टेंट चीज़ें यहीं पर पड़ी होती है और वो हमें नज़र ही नहीं आती। वैसे यहाँ पर मिनी रॉड जा रहा है चेकिंग के लिए। यहाँ पर ये आइसक्रीम चाचा की मस्त छोटी सी बाइक पड़ी हुई है। इट सीम्स दैट समथिंग कैन बी प्लेस्ड इन द गैप। ओके, तो मुझे शायद से यहाँ पर कुछ तो ला के लगाना होगा, जिसके बाद उस बाइक का बोनेट खुलने वाला है। वैसे हाँ, मैंने अभी तक ये जगह चेक नहीं करी है। यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट्स पड़े हुए हैं एंड यहीं पर मुझे वो ब्लू वाला सर्टिफिकेट मिलने वाला है। यहाँ पर एक वेंट है, इसे खोलते एंड पता नहीं हमें यहाँ पर क्या ही मिलने वाला है। शायद इसने दीवार गिराई है, लेकिन इन मिनी रॉड्स को क्यों नहीं गिराया क्या पता। यहाँ पर एक लॉक लगा हुआ है, पैडलॉक डोर। आई एम श्योर माइक कैन थिंक अ वे टू ओपन इट। तो इसको खोलने के लिए हमें हमारे दोस्त माइक की ज़रूरत होगी, शायद से वो कोई लॉक पिक बना के देगा। एंड यहाँ पर मुझे वो ब्लू कलर का सर्टिफिकेट दिख चुका है, तो मुझे इसे शायद से हिलाना पड़ेगा। यहाँ पर एक और फोटोग्राफिक हिंट मिली है हमें एंड यहाँ पर कोई तो पेंटिंग बनी हुई है, जो कि इस म्यूज़ियम में ही कहीं पर तो है। एंड ये मिनी रॉड यहाँ से आ रहा है, अगर मैं चुपचाप झुक के निकल लूँ तो ये मुझे नहीं देखेगा। ये बड़ी सही चीज़ है, अगर मिनी रॉड से बचना है तो नीचे झुक झुक के चलो। वैसे हाँ, अभी शायद से हम लोग घूम के वहीं पर आ गए। मेरे पास एक शॉर्टकट रास्ता भी है शायद से, जहाँ तक मुझे याद है, जो कि हमें फटाफट से दूसरी तरफ लेके जाएगा। लेट्स गो। यहीं पर वो पेंटिंग है एंड यहाँ पर से मुझे एक और पेंटिंग मिली है। ये मुझे ठीक से दिख नहीं रहा, हाथ में लेके देखते हैं। यहाँ पर ये रॉड का मास्क है एंड इस पर फ्रॉस्टी करके कुछ तो लिखा हुआ है। वैसे हाँ, ये रॉड का पापा का मास्क है, जो कि इसने संभाल कर यहाँ पर रखा हुआ है याद के तौर पर। ओके, तो अभी हम लोग दोबारा से कॉलिंग रूम पे आ चुके हैं एंड हमें हमारे दोस्त माइक से बात करनी होगी वो लॉक पिक के बारे में। तो भाई, तू क्या करेगा हमारे लिए? इसने कुछ तो हमें बना के दिया है। जे, ब्रिंग मी दीज आइटम्स, दे डोंट हैव टू बी प्रिटी। ओके, तो अब हमें इसे ही आइटम्स ला के देने होंगे एंड इसके बाद ये शायद से लॉक पिक बना के दे देगा। तो भाई, देर किस बात की, फटाफट चलते। ये रहा ये टेप, अभी टेप ले जाके माइक को देते हैं एंड शायद उस दरवाजे के पीछे कुछ तो इम्पॉर्टेंट है, इसी की वजह से वहाँ पर लॉक लगा के रखा हुआ है। दरवाज़ा खुलते एंड बाकी के दो आइटम मुझे कहाँ है पता नहीं। वैसे शायद से मुझे एक आइटम वो फाइल पता है, नीचे गैराज में पड़ी हुई है, तो जल्दी चलते। ऑल डन, तो मैं अभी फाइल भी लेकर आ चुका हूँ। ये फाइल इसे देते एंड पता नहीं लास्ट आइटम कहाँ पे होगा, मुझे यहाँ वहाँ पर देखना पड़ेगा, वो कहीं पर भी हो सकता है, तो इसके लिए थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा। तो लेट्स गो। ऑल डन, तो मुझे यहाँ पे पेंटिंग मिल चुकी है आखिरकार एंड यहाँ पर मुझे क्रैंक मिला है। शायद से क्रैंक उस बाइक पे लगेगा, मतलब उस रॉड की बाइक पे लगेगा जो कि वहाँ पर पड़ी हुई थी। लेट्स गो, ये यहाँ पे लग जाएगा एंड इसको खोलते हैं। फटाफट खुल जा भाई, मुझे इसे घुमाना होगा क्या? ओके, यहाँ पर ये क्या है, रिमोट कंट्रोलर, मैकेनिज्म हैज बीन ओपन समवेयर इन द फैक्ट्री। पता नहीं कोई तो मैकेनिज्म ओपन हुआ है एंड यहाँ पर इविल नन क्या गाना गा रही है, मैं लगता है इसका पूरा खानदान ही गाने वाला है। रॉड भी गाना गाता है, ये भी गाना गा रही है एंड ये शायद से किसी कब्रिस्तान में देखने से तो लग रहा है एंड शायद इन सबको इसी ने मारा है। बाहर कोई तो आया हुआ है, यानी गेट खोल रही है। ये शायद से इस जगह की ओनर है जहाँ तक मुझे लग रहा है। And as you may understand, I had no choice other than... भाई डर गई है, इविल नन ने अपनी असली आंखें दिखा दी है, पता नहीं इस पर क्या मंत्र चला रही है। वैसे हाँ,
ये कहानी का फ्लैशबैक है, मतलब रॉड के पास्ट का फ्लैशबैक है। यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला, बस वो रिमोट कंट्रोल मिला है। एंड इस तरफ में शायद से मैंने नहीं देखा या देख लिया है पता नहीं, लेकिन फिर एक बार यहाँ वहाँ पर ढूंढांडी करते हैं और देखते कि आखिरी चीज़ कहाँ मिलने वाली। ऑल डन, तो मुझे यहाँ पर मेटल प्लेट मिल चुका है, इसे फटाफट से जाके हमें हमारे दोस्त माइक को देना होगा ताकि ये इस दरवाजे का लॉक बना के दे सके। ये ले भाई, तेरे लिए मैंने मेटल प्लेट भी ला दी और इसने लॉक पिक बना दिया है। लेट्स गो, अभी हम लोग जाके वो दरवाज़ा खोल सकते हैं एंड इसके उसके पीछे क्या है ये जान सकते हैं। तो मैं अभी फटाफट यहाँ से चलता हूँ। ऑल डन, तो यहाँ पे मुझे इसे खोलना है, जल्दी खुल जाए भाई, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो ये खुल चुका है एंड पहले से बंद भी कर देता है। यहाँ पर लॉकर है जिसमें कुछ नहीं है एंड यहाँ पर पैंट्री का शायद से इलेक्ट्रिक सर्किट है जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद। प्लीज, इट सीम्स दैट अ डोर इन अनदर एरिया ऑफ द फैक्ट्री हैज बीन रीएक्टिवेटेड, लेट्स गो। जो पैंट्री वाला दरवाज़ा था जो नहीं खुल रहा था वो अभी खुल जाएगा, लेकिन मिनी रॉड मेरे पीछे पड़ चुका है, मुझे उससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अबे तू भी आ जा भाई, सब आ जाऊँ, पूरी बारात लेके आ रहा हूँ मैं। वैसे हाँ, लास्ट टाइम हमने बॉरिस को भी मारा था। यहाँ पर कुछ तो बॉल गिरा हुआ है, उस तरफ भी गिरा हुआ था, पता नहीं क्या सीन है। लेकिन हाँ, अभी भाई आ जा, तू भी आ जा, मैं सबको लेकर चलेंगे आज, किसी को नहीं छोड़ेंगे। आज सबकी बारात आई हुई है, हम लोग यहाँ से एस्केप करने वाले हैं एंड यहाँ पे ये शॉर्टकट रास्ता है। ऑल डन, तो मैं वैन के पास आ चुका हूँ एंड इस वैन की को जाके हमें नीचे की तरफ लगाना होगा एंड शायद हम लोग वैन स्टार्ट कर सकते हैं और अलग अलग लोकेशंस पर ट्रैवल कर सकते हैं। रॉड यहाँ पर नहीं है, अच्छी बात है कि नहीं है। यहाँ पे मुझे दरवाज़ा खोलने में चालू नहीं कर सकता शायद से एंड मुझे यहाँ पर कोई पासवर्ड मिला है, शायद से पासवर्ड दूसरी तरफ मतलब फैक्ट्री के दूसरी तरफ यूज होने वाला है। वो जो वार्डरोब में पासवर्ड नहीं था, शायद ये वहाँ पर यूज होने वाला है जहाँ तक मुझे लग रहा है। एंड ये एंड मोमेंट पे क्यों आते हो यार, तुमको पहले आने नहीं आते क्या, दिमाग ख़राब कर देते। वैसे हाँ, अभी ज़्यादा टाइम पास नहीं करते। या अपना माइक भी अपनी जगह से उठ चुका है एंड फटाफट अपने दोस्त चार्ली को कॉल करते हैं। हेलो भाई, यहाँ का काम हो गया, वहाँ का काम संभाल लियो। ओके भाई, ऑल डन। तो अभी हम लोग दोबारा से चार्ली बन चुके हैं, दरवाज़ा खोलते हैं एंड अभी हमें ज़्यादा कोई पहचान नहीं पाएगा, बस वो आइसक्रीम अंकल नहीं पहचान लेगा हमें। यहाँ पर मुझे पैंट्री वाली जगह ये थी, यहाँ पर चेक करते हैं एंड ये वाले दरवाज़ा खोलते हैं। यहाँ पर ये क्या, अंडे के बॉक्स पड़े हुए हैं एंड ये खाली को पड़े हुए हैं भाई, कुछ तो होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस है, शायद मुझे हर किसी बॉक्स को चेक करके देखना होगा। तो चेक करते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स पड़ा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है एंड यहाँ पर कुछ डब्बे है मतलब बॉक्सेस है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है एंड यहाँ पर भी कुछ नहीं है। भाई रखा क्यों है फिर, कन्फ्यूज करने के लिए? वैसे शायद मैंने सारी तो बॉक्सेस ढूंढ लिए मतलब देख लिए, कुछ मिल नहीं रहा, एका दूसरा ओ रह गया, यहाँ पर एका दूसरा रह गया। और भी कोई है क्या यहाँ पे? यहाँ पे एक है एंड यहाँ पे एक्सपायर्ड एग्स पड़े हुए हैं। अभी मुझे एक सेकेंड, शायद से आइसक्रीम को ख़राब करना है ताकि जब माटी इसे टेस्ट करे तब वो इसे खा के बेहोश हो जाए एंड हम लोग उससे चाबी लेकर निकल ले, ऐसा ही कुछ होगा शायद से। एंड इसके लिए हमें एक्सपायर्ड एग्स मिल चुका है एंड वो सॉक्स भी मिल चुका है, बस हमें वो आखिरी पीस ढूंढना है। वैसे हाँ, मैं अभी दोबारा से यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर न्यूज़पेपर का पीस निकालना है जो कि लास्ट टाइम रह गया था। इस मशीन को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर है ब्लू, उसके बाद रेड,
उसके बाद है ग्रीन। वैसे एक सेकंड में कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहा। ओ अभी यहाँ पर चार कलर है, पहले तीन ही कलर थे। ये रहा ब्लू, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद रेड, उसके बाद ग्रीन ब्लू रेड एंड येलो, उसके बाद है रेड येलो ग्रीन ब्लू। एंड ये धीरे धीरे डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि पहले तीन ही लेयर्स थे, अभी चार लेयर्स है एंड टाइम भी बहुत कम है। पता नहीं इस न्यूज़पेपर पीस से होने क्या वाला है। अबे यार हो जा भाई। हेलो ग्रीन रेड येलो, अरे हो जा भाई, क्या हो गया, ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है यार। भाई छोड़ो भाई, मेरे को नहीं करना है, अगर अभी नहीं होता तो मैं छोड़ रहा हूँ भाई, छोड़ो। वैसे भी पता नहीं इसका क्या काम है। हमें दो आइटम तो मिल चुके हैं, अभी बस तीसरा आइटम शायद से ढूंढना है, तीसरा है चौथा, पता नहीं। हम लोग दोबारा यहाँ पर आ चुके हैं एंड ये लॉकर को खोलते। पासवर्ड क्या था, ये था डी, उसके बाद शायद से सी, उसके बाद दोबारा से ई एंड ई। यहाँ पर हमें न्यूज़पेपर पीस के लिए इतना सब कुछ करवाया मेरे से। भाई ये सही नहीं है यार, कुछ तो अच्छा ढंग का आइटम देते। वैसे शायद एक खुल चुका है एंड यहाँ पर ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल स्पाइस। शायद मुझे इसे कुछ किसी में तो मिलाना है। यानी आइसक्रीम अंकल पता नहीं यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, शायद माटी और इसकी कुछ हाथापाई हो गई होगी। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल स्पाइस पड़ा हुआ है, इसे मुझे कहीं पर तो मिलाना है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि मेरे पास अभी ये लो भाई, मैं वही कह रहा था, मेरे पास अभी मास्क नहीं है, तो मुझे थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा, किसी को बिना पता चले इसे मिलाना होगा। एंड मुझे इसे कहाँ पे डालना है, मिल्क में तो नहीं डाल सकता, शायद से मुझे शक्कर में डालना है। मैटी का ध्यान यहाँ पर नहीं है एंड वो शक्कर कहाँ पे, ओ सामने की तरफ है, यहाँ पे डालना है मुझे शायद से। लेट्स गो, ये डल जाएगा। वन ऑफ थ्री इंग्रेडिएंट्स टेम्पर्ड, तो अभी दो इंग्रेडिएंट बचे हैं, एक है वो स्वेटी सॉक्स, ये रहा वो स्वेटी सॉक्स एंड मुझे इसे किसी में तो मिलाना है, शायद से मिल्क में मिल जाएगा, शायद से मिल जाएगा, ओ मिल गया। लेट्स गो, अभी से इसमें गंदी बास आना चालू हो चुकी है, तो सोचो आखिर में जब ये टेम्पर होगा तो कितना खराब आएगा, मतलब इसका स्मेल। एंड माटी की तो पूरी वाटी लगने वाली है। यहाँ पे एक्सपायर्ड एग्स भी उठा लेते हैं एंड इसे मुझे शायद वो एग बॉक्स में मिलाना होगा, लेकिन बाहर वो मिनी रॉड है, प्लीज़ अंदर मत आइयो, अंदर मत आइयो, वो वहाँ पे देख रहा है एंड वो एग बॉक्स कहाँ था, शायद यहाँ पे नहीं था, वो यहाँ पे था कहीं पे, तो हाँ यही पे था। ये तू चले जा रे, चले चले जा जल्दी जल्दी, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। यहाँ पे इसे मिलाते हैं एंड अभी पूरी की पूरी आइसक्रीम ख़राब हो चुकी है। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इंतज़ार करना है कि माटी आके उस आइसक्रीम को पी जाए एंड उसके बाद हम लोग उसे चाबी ले सकते हैं। तो मैं अभी वेट कहाँ पे करूँ, वेट सेकेंड, हमारे पास कमरा तो था ना, हाँ तो अभी हम लोग यहाँ पर वेट कर सकते हैं। एंड माटी आ जाओ भाई, ढूंढा आंटी कर रहा था तब तो बड़ी जल्दी आ रहा था, अब आ नहीं रहा है, सब कुछ हो गया है तो कितना टाइम लगाएगा भाई। वो आ गया एंड वो आ चुका है, अभी फटाफट इसे पी जा भाई, मेरे को चाबी चाहिए यहाँ से एग्जिट करने के लिए। इसने गंदी आइसक्रीम गटक ली है एंड अभी ये बिगड़ने वाला है। धड़म भाई, पूरी स्क्रीन हिल गई। माटी है शॉर्ट सर्किटेड फ्रॉम द टेस्ट ऑफ आइसक्रीम, टेक अवे हर की वाइल्ड शी रीस्टार्ट्स। अरे दे दे चाबी, क्या हो गया, ओ मुझे इसे खड़े होकर लेनी है एंड अभी एग्जिट शायद से ओपन हो जाएगी। लेट्स गो, इस चाबी को यहाँ पर लगाते हैं भाई, जल्दी खुल जा, जल्दी जल्दी जल्दी, ये खुल चुका है एंड वो माटी फिर से चक चुका है एंड पता नहीं इस रॉड के साथ
क्या हादसा किया है उस मार्टी ने। हमें क्या करना है, हम यहाँ से एग्जिट करते हैं। लेट्स गो। एन इस सर के बल गिरा है, लेकिन अच्छी बात है। अभी ये तीनों दोस्त मिल चुके हैं, उछल कूद रहे हैं, बट शायद से हमारी एक और दोस्त लिस्ट बची है। I have something very important to do first. And ये अभी क्या करने वाला है? कुछ important काम करने वाला है, अपनी बहन को बचाने जाने वाला है क्या? Don't take too long. क्या कर रहे हैं? अभी खिलौने से खेल रहा है? ये तेरे लिए ज्यादा important है अभी के वक्त में? वैसे हाँ, बच्चा है तो ठीक है, इतना चलता है। And ice cream 6 भी complete हो चुका है। आज के इस वीडियो में इतना ही। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े वैसे वैसे इजी होता है। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए सायोनारा।